आप सभी का हमारे चरण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 16 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य कर लें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्यौहार उपाय तथा ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त होती रहेंगी। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगी, और आज एकादशी का व्रत भी है। आज नक्षत्र कृतिका है, जो शाम को 6:51 तक रहेगा। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग गंड है और करण भाव और वालव है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से आरंभ होकर 3:00 तक रहेगा। तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। और अभिजित मुहूर्त का समय प्रातः 11:51 से आरंभ होकर 12:44 तक रहेगा। और आज कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय सुबह 5:25 से आरंभ होकर 7:08 तक रहेगा। अगर कार्य शाम को करना है तो शुभ समय 5:28 से आरंभ होकर 7:12 तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज आपको सेम की बनी हुई सब्जी का सेवन नहीं करना है। दिशा सूल आज दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दही खाकर करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए उपाय, आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर शहद चढ़ाएं, शहद अर्पण करें। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने पूजा घर में ही थोड़ा सा शहद भगवान के सम्मुख रख दें। चलिए आज जानेंगे विशेष उपाय में कि रुद्राभिषेक का क्या चमत्कार है, क्या लाभ है। भगवान का बड़ा ही पावन पवित्र महीना चल रहा है सावन मास। इसमें किया गया भगवान शिव के ऊपर अभिषेक। आप करोड़पति हैं तो करोड़पति बना देगा, और भगवान की अनंत कृपा होगी और धन कुबेर आप बन जाएंगे। ऐसा भगवान का रुद्राभिषेक है, बड़ा ही चमत्कारी लाभप्रद। वेदों के अनुसार महादेव को अनंत कहा गया है और सारी ही कामनाओं को शीघ्र देने वाले हैं। तो चलिए ये सब चर्चा करेंगे राशिफल के पश्चात। जानते हैं राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। आज व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रत्येक कार्य आप करने जाएंगे तो उसका पूर्वाभास आपको प्राप्त हो जाएगा कि कार्य शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 शुभ रंग सिंदूरी। वृषभ राशि। आज आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन नवीन कार्य के लिए कुछ ना कुछ आप नया सोचेंगे, इस कारण आपका मन विचलित रहेगा थोड़ा सा, लेकिन धन का लाभ भी होगा। शुभ अंक 1 शुभ रंग पीला। मिथुन राशि। आज आप ऊर्जावान रहेंगे अंदर से, आज एक विशेष एनर्जी आपके अंदर रहेगी, लेकिन साथ में दूसरों का सहयोग भी करें, लाभ की आज प्राप्ति होगी। शुभ अंक 2 शुभ रंग भूरा। कर्क राशि। आज आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य आप धैर्य से लग्न से करें तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 3 शुभ रंग सफ़ेद। सिंह राशि। आज धन आगमन की स्थिति बनी हुई है, धन के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं, नौकरी में आज लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शुभ अंक 3 शुभ रंग पीला। कन्या राशि। आज कार्यों में आप एकाग्रता रखें, जो भी कार्य कर रहे हैं एकाग्रता से, मन से, ध्यान से उसको करना है, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लाभ मिलेगा। शुभ अंक 1 शुभ रंग स्काई ब्लू। तुला राशि। आज मन में विचारों की वृद्धि होने वाली है। आज आप आध्यात्म से जुड़ें, अपने आप को भगवान से जोड़ें, कोई धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, लाभ मिलेगा। शुभ अंक 4 शुभ रंग सफ़ेद। वृश्चिक राशि। आज कार्य में आपको लाभ प्राप्त होने वाला, जो भी कार्य आज आप करेंगे, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है और धैर्य से करना है समझकर। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफ़ेद। धनु राशि। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको आज प्राप्त होगा, लेकिन कोई दूर की यात्रा नहीं करनी है। शुभ अंक 5 शुभ रंग हरा। मकर राशि। आज आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, सबसे मीठा बोलिए, विवाद से बचे रहिए। शुभ अंक 1 शुभ रंग महरूम। कुंभ राशि। आज आप स्वयं में बदलाव करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय आपके अनुकूल है और लाभ मिलेगा। शुभ अंक 4 शुभ रंग हरा। मीन राशि। आज व्यवसाय के क्षेत्र में आप वृद्धि कर सकते हैं, कुछ
बढ़ाना चाहते हैं व्यवसाय में तो बढ़ा सकते हैं। दिन आपके अनुकूल है। शुभ अंकनों और शुभ रंग पीला। चलिए सज्जनों, जानते हैं रुद्राभिषेक के अद्भुत चमत्कारी लाभ कि भगवान की अनंत कृपा किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी कामनाओं की सिद्धि हम कर सकते हैं। वेदों के अनुसार महादेव को बड़ा ही भोला वाला कहा गया है, न इनका आदि है ना अंत है, लेकिन फिर भी भक्तों के भाव में रीझ कर भगवान साकार रूप को धारण करते हैं और प्रकट होकर वरदान देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत तरीका है भगवान का अभिषेक, चाहे जल से हो या किसी भी अन्य वस्तु से। वो तो केवल एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल आप चढ़ा दीजिए और बड़े प्रेम से भाव से भगवान से कुछ मांग लीजिए, प्रसन्न होकर आपको प्रदान कर देंगे। इसी प्रकार अपने मन में आप कोई भी संकल्प करके किसी पदार्थ को भगवान पर चढ़ाते हैं, उसको समर्पित करते हैं अनवरत रूप से बिना रुके, तो उसी कर्म को, उसी क्रिया को रुद्राभिषेक कहा जाता है। जो पदार्थ आपको रुद्राभिषेक में प्रयोग करना है उसकी क्या विधि है, किस प्रकार से उसको चढ़ाना चाहिए, उसका विधि विधान शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। लेकिन किसके अनुसार क्या विधि है ये सब जानते हैं हम विद्वान के माध्यम से। कोई विद्वान से हमारा संपर्क होता है, उससे हम ये सब विषय जानते हैं। कहा जाता है शिव पुराण में, वायु पुराण आदि में, कि भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न करते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, कोई ऐसी कामना नहीं है जिसे भगवान पूरा ना कर सकें। प्रत्येक वर अपने भक्त को, अपने साधक को प्रदान कर देते हैं, अर्थात हर इच्छा, चाहे धन की हो, यश की हो, संतान की हो, शत्रुओं से मुक्ति की हो, रोगों से मुक्ति की हो, ग्रहों की समस्या कोई चल रही है उससे छूटना है आपको, पितृदोष की कोई समस्या चल रही उससे छूटना है, तो प्रत्येक समस्याओं का समाधान और प्रत्येक आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण कर देते हैं भगवान भोलेनाथ आशुतोष शंकर। बस जरूरी है, आवश्यकता है आपकी भाव की, आपकी भक्ति की, आपके प्रेम की, आपके समर्पण की। तो ऐसे ही रुद्राभिषेक के विषय में शास्त्रों में, पुराणों में जो कहा गया है, प्रत्येक कामना के लिए अलग अलग वस्तुएं हैं। चलिए जानते हैं किस कामना के लिए, किस वस्तु से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। सर्वप्रथम जल, भगवान भोलेनाथ आशुतोष सादा जल या गंगा जल, सादे जल में आप गंगा जल मिलाकर भगवान को अर्पण करते हैं, अनवरत रूप से जल से अभिषेक करते हैं, तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, मन आपका प्रसन्न रहता है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्यवान आप हो जाते हैं। ऐसे ही कुशा, कुशा ब्राह्मण स्वरूप ही मानी जाती है, ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है कुशा। तो अगर हम कुशा से भगवान का अभिषेक करते हैं, कुशा मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं, तो रोगों में शांति मिलती है, आरोग्य दे हमें प्राप्त होती है, आरोग्यता की हमें प्राप्ति होती है। अगर कोई रोग बहुत समय से चल रहा है, उसका निदान नहीं हो रहा है, तो कुशा से अवश्य अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही गन्ने का रस, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, धन को स्थिर करना है, धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, ऋण बढ़ गया है, कर्जे में फंसे हुए हैं, तो आपको गन्ने के रस से अनवरत रूप से अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही मधु यानी शहद और घी, शहद या घी से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, वंश का विस्तार होता है और जो आपके पुण्य हैं उन कर्मों में वृद्धि होती है और पापों का शमन हो जाता है। ऐसे ही दुग्ध से यानी दूध, अगर परिवार में संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो दूध से निरंतर अभिषेक करने पर संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिक्षा में अगर कोई बाधा आ रही है या बच्चा कमज़ोर है बुद्धि से, तो उसके लिए शक्कर मिश्रित दूध से अनवरत रूप से अभिषेक करने पर बच्चे की बुद्धि का विकास होता है और तीव्रता आती है और पढ़ाई में मन लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा चल रही है तो वह दूर हो जाती है। सरसों का तेल, यह अत्यंत ही शीघ्र
कारगर कार्य है और शीघ्र प्रभावी यह पदार्थ है। अगर हम सरसों के तेल से शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्र का अभिषेक करते हैं, तो हमारे जो शत्रु हैं उनका शमन हो जाता है, वह शांत हो जाते हैं। और कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही है, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या कोई ना चाहते हुए भी केस आपके ऊपर लग गया है, कोर्ट कचहरी का, पुलिस का, थाने का, या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है, तो वह सब समाप्त हो जाती है भगवान शिव का तेल से अभिषेक करने पर। ऐसे ही पंचामृत, पांच तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल इत्यादि मिलाकर भगवान पर चढ़ाने से प्रत्येक सुख की आपको प्राप्ति होती है, और विवाह में अगर कोई समस्या आ रही तो वह भी दूर हो जाती है। ऐसे ही सुगंधित जल, इत्र मिश्रित जल, गुलाब जल डालकर सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। धन संपत्ति, विवाह, वाहन इत्यादि सभी जो भौतिक सुख हैं सभी में वृद्धि होती है और प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र बताते हैं, पुराण बताते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक मार्ग हैं, छोटे छोटे मार्ग हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन उन सब में अत्यधिक प्रभावी है रुद्राभिषेक, जो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो ऐसे ही देश, काल, परिस्थिति के अनुसार जो भी प्राप्त हो उसी से हम भगवान आशुतोष शिव शंकर को अगर समर्पित कर देते हैं तो वह उससे भी पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही विशेष लाभदायक वीडियो को आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।